गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी ये है हमारा वो रूम जहां हमने रात में खौफ खरगोश के मज़े लूटे, और उमर साहब अभी कपड़े इस्त्री कर रहे हैं अपने भी और मेरे भी। जी भट्ट साहब, कैसी रही आपकी रात को नींद? ठीक आई आपको? वो हमारा सीन बड़ा ज़बरदस्त था, इतना थके हुए थे, मैंने तो कोई सराटे नहीं लिए क्योंकि मैं सुन रहा था तो लेकिन कपड़े जरा सही तरह से प्रेस करो यार। ये एक साइड ही करनी है मैंने, दूसरी साइड ही मुझसे होनी। लेट हम आधा घंटा हो गए हैं, नाश्ता ऊपर चल रहा है। हाँ तो बस रूफ टॉप पे नाश्ता है और सामने से समंदर का व्यू है। और ये हमारे मॉडल मेन्यू देखा आपने? लग रहा है। हाँ प्लेटर्स बने हुए है ना। हाँ बुफे सिस्टम नहीं है लेकिन ठीक है प्लेटर। मैंने ऑमलेट का भी कह दिया उनको। नाश्ते का हमारा सेटअप रेडी था, कुछ प्लेटर्स उन्होंने बनवा के रख दिए हैं जो बेसिक हैं, जिसमें दो किस्म के ऑलिव्स हैं, एक रोस्टेड ऑलिव्स हैं और दूसरे जो सिंपल होते हैं विनीगर वाले। साथ में चिप्स है वो हमने साइड पे कर दिया है, सैलड है, फ्रेश सैलड है और तीन चार तरह के इसमें जैम रखे गए हैं जी, टर्किश लिखी हुई है, जैम ही होंगे। साथ में जो मज़ेदार चीज़ है वो है चीज़, ये चीज़ साथ एक हमने ऑमलेट बनवा लिया और ये आपका मेरा नहीं है। साथ में जो है ब्रेड वो मज़ेदार चीज़ है, एक तो सिंपल ब्रेड है खाने के लिए और दूसरी ब्रेड है जैसे हम टोस्ट नहीं बनाते, अंडे में थोड़ा सा हल्का सा स्पाइस डाल के उसको जो है वो सेक दिया गया। साथ में है किश्ती केक, इसको चिप भी लगाने हैं, साथ चिप्स है। ये मैंने देखा पहले कि नाश्ते में ये लोग फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं लेकिन थोड़ी डिफरेंट है, मैश पोटैटो की फील आ रही है इसमें। पेपरोनी है ये जो पीले में भी लगी होती है, ये भी नाश्ते में पहली दफ़ा खा के देखते हैं क्या बनता है। और चाय और टर्किश टी, मिल्क टी। अच्छा टर्किश टी इज़ अ डिफरेंट थिंग और मिल्क टी जो है वो डिफरेंट है। ये टी को मिल्क टी नहीं कहते, ये खाली कावा पीते हैं तो वो आप खुद भी बना सकते हैं। अभी ये प्लान है कि इनको खाएंगे, हेल्दी नाश्ता है, आज भी हमने काफ़ी चलना है तो इंशाल्लाह स्टार्ट लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। बहुत ही कम मिर्च खाते हैं ये ना होने के बाद, हम पाकिस्तानियों को तो लगता है शायद ये खाते ही नहीं, लेकिन अच्छी बात है। एक में जी मक्खन है, दूसरे में जैम है और तीसरे में शहद है और ये पीछे ऑलिव्स हैं। अब ये चेक करेंगे कितना हेल्दी नाश्ता है ये। अच्छा ऑलिव भी बहुत है ना। अब ये चेक करें कितना हेल्दी नाश्ता ये लोग कर रहे हैं और हम लोग ऐसे नाश्ते के बाद हम कहते हैं अच्छा यार चार कुछ और शोरबा लेना तरी ज्यादा। भाई देखें कितनी हम बात कर रहे हैं। Y fue a firmar, fueron a firmar un acuerdo de paz y comercial con los Estados Unidos y cuando estaba, fíjate, para que veas ये आपने याद रखी है जो भाई आपको सारे मैसेज दे रहे हैं। अच्छा हाँ जी, इतने मोटे हो जाएंगे आप। जैसे कि भाई ने आपको बता दिया था वो पीछे वाले भाई ने कि हम लोग आज जा रहे हैं सुल्तान अहमद एरिया, हमने बेसिकली आज एक्सप्लोर करना है ग्रैंड बाजार भी और नुसरत भी। हाँ नुसरत किसी लड़की का नाम नहीं है, नुसरत स्टेक हाउस की बात कर रहा हूँ मैं, आप हमें खुश ना हो। तो नाश्ता हमने कर लिया है तो सुल्तान अहमद एक्सप्लोर जो है वो आज हम एरिया कर रहे हैं तो हमारे साथ
ये जो पीछे आप डोम देख रहे हैं ये वाला, ये जर्मन फाउंटेन है अब्दुलरहमान साहब, आप उधर से आए आपको नहीं पता, ये जर्मन और तुर्क फ्रेंडशिप के तौर पे उसका एक मॉन्यूमेंट बनाया गया और ये 1898 में बनाया गया था। और आपको पता कि पहली जंग अज़ीम भी तुर्की और जर्मन ने इकट्ठे लड़ी थी। हाँ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं जर्मन लोग भी देख रहा हूँ, और जो हमारे फ्रेंड्स जर्मनी में हैं वो कहते हैं कि वहाँ पे तुर्क बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो रेजिडेंसी है ना वो तुर्कों की है, तो इनकी बड़ी दोस्ती है मेरा ख्याल आपस में। साथ साथ पैरालल एक छोटा सा बाज़ार चलता है जहाँ से आप सुवेनियर्स और छोटी मोटी चीज़ें खरीद सकते हैं गिफ्ट के तौर पे। और आगे हम एंटर हो जाएंगे अब पार्क में जहाँ से हम तीनों अगली चीज़ें देखेंगे। अगर आप इस्तांबुल के टूर पर आएँ तो एक या दो दिन सुल्तान अहमद एरिया में लाजमी रुकें, क्योंकि ज़्यादातर तारीखी मकामात इसी एरिया में हैं। ये अब्दुलरहमान साहब फुल टाइम एक्टिंग कर रहे हैं कि उन्होंने सिटी टूर करना है और फुल इंग्लिश मार रहे हैं कि इसका क्या सीन है, इसका क्या सीन है, जाना ना किधरे भी नहीं। अगर आप इस्तांबुल के टूर पर आएँ तो एक या दो दिन सुल्तान अहमद एरिया में लाजमी रुकें, क्योंकि ज़्यादातर तारीखी मकामात इसी एरिया में हैं। डिस्कवर टर्की सीरीज़ की पिछली एपिसोड में हमने आया सोफिया मस्जिद का विज़िट किया था और आज हम लोग जा रहे हैं तोपकपी पैलेस। आया सोफिया के दाएं हाथ अंदर जाने वाली सड़क सीधी तोपकपी जाती है, इसके अलावा अरास्ता बाज़ार से आने वाला रास्ता भी तोपकपी की तरफ जाता है। यहाँ वॉक करते हुए जाते हैं। ये बहुत ही प्यारा पाथवे है, यहाँ से आपको दरख्तों के पीछे से ब्लू स्काई नज़र आता है और दरख्त यहाँ पे बड़े डिफरेंट हैं, और जब हवा चलती है तो दरख्तों की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। और ये आप मेन गेट से जब एंट्री करवा के निकलते हैं तो आपको मज़ीद 200-250 मीटर पैदल जाना होता है। सामने जो आप गेट देख रहे हैं यहाँ पर से आपको टिकट लेनी है। तोपकपी पैलेस हम पहुंच गए हैं, और तोपकपी की जो टिकट्स हैं ये 100 आप देख रहे हैं, ये 100 लीरा है, हमारा ख्याल था कि 72 लीरा होगी, लेकिन हमें टर्किश क्योंकि पढ़नी ही नहीं आती वो 70 लीरा थी बच्चों की, तो मुझे तो मेरी मिल गई है 70 में, क्योंकि मैं 30 से नीचे हूँ, अब्दुलरहमान साहब को जो है वो 40 से ऊपर है, इसलिए 100 की मिली है। मेन एंट्री को इम्पीरियल गेट कहा जाता है। ये तकरीबन 300 मीटर लंबी वॉक है जिसके दाएं बाएं खूबसूरत लॉन हैं, जबकि वॉकवे पर खूबसूरत और कदावर दरख्त भी मौजूद हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब कॉन्स्टेंटिनोपोल को फतह किया तो उन्होंने सल्तनत उस्मानिया का कैपिटल भी यहीं शिफ्ट कर लिया और अपने रहने के लिए एक महल तामीर करवाया। तोपकपी दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, पहला तोप जिसे हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं, और दूसरा कपी, तुर्की ज़ुबान में कपी का मतलब दरवाज़ा है, मतलब तोप वाला दरवाज़ा। तोपकपी पैलेस सल्तनत उस्मानिया का 300 साल तक पैलेस रहा है जहां सुल्तान रहते रहे हैं। उसके बाद जो है दौलमा बादशाह पैलेस बना था, जब सुल्तान साहब तंग आ गए थे कि अब ये चेंज कर देना चाहिए, और ये बिल्कुल आया सोफिया की बिल्डिंग के बिल्कुल साथ है, और यहां पे आने की 100 लीरा टिकट है। और आप क्यों इतने थके थके लग रहे हैं? आते साथ नुकसान हो गया हमारा, सिक्योरिटी ने यह मना कर दिया है कि आप अंदर ट्राईपॉड नहीं भी जा सकते, हालांकि वो बड़ी छोटी सी ट्राईपॉड थी, मोबाइल को सिर्फ स्टेबलाइज करती थी, इन्होंने वो भी छीन लिया हमसे। कोई नहीं, वापस मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ख़ज़ाना है सुल्तान के, जो चीज़ें रही हैं इस्तेमाल में, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इस्लामिक हिस्ट्री रिलेटेड, तो इंशाल्लाह। और कुछ पे पाबंदी भी है, अच्छा कुछ पे पाबंदी भी है, आपने शूट नहीं करना उसको, लेकिन कोशिश करेंगे जो हो सकता है उनको हम करें, तो साथ रहिए और देखते रहिए। Thank you.
पैलेस का ये हिस्सा स्टडी रूम हुआ करता था। यहाँ अब भी पुरानी किताबों के नुस्खे मौजूद हैं। यहाँ एक मुअल्लिम को पढ़ाते हुए भी दिखाया गया है। तो आपका भी पैलेस इतना बड़ा है और इतना डाइवर्स है कि आप इसको कम से कम 3 से 4 घंटे आपको चाहिए अगर आप जल्दी जल्दी भी चीज़ें देखते हैं। और यहाँ के 4 बड़े इसके लॉन हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ पे 4,000 लोग रहा करते थे बादशाह जब यहाँ पे रहता था, तो उनके मुलाजिम वज़ीर मुशीर पूरी काबीना थी, वो 4,000 लोगों की थी। तो उसके मुनासबत से ये तोपकुपी पैलेस बनाया गया था और वाकई बहुत ही शानदार खूबसूरत बिल्डिंग है। ये 17वीं सदी के सलातीन के इस्तेमाल में रहने वाला तख्त है और इसके पीछे उनका बेड पड़ा है। होली रेलिक्स के हिस्से में वीडियो बनाना सख्ती से मना है, वरना मैं लाजमी आपको अंबियाए कराम और सहाबा कराम के इस्तेमाल में रहने वाली चीज़ें दिखाता। तोपकुपी पैलेस में हम इस वक्त होली रेलिक्स जो अपार्टमेंट है उसके बाहर खड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमने अभी काफ़ी सारे प्रॉफिट्स की जो बिलोंगिंग्स हैं वो देखी हैं, जिसमें हज़रत दाऊद की तलवार है और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट मुझे लगी हज़रत मूसा का आसा यहाँ पर पड़ा हुआ, और हज़रत इब्राहिम का एक कटोरा भी देखा हमने यहाँ पर, और इसके अलावा और हज़रत यूसुफ की पगड़ी भी थी यहाँ पर, और हज़रत याहिया का केस भी था हाथ का जो तलवार। इसके अलावा सहाबा कराम की माशाल्लाह बिलोंगिंग थी यहाँ पे, हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत जाफ़र बिन तैयार, हज़रत अमार बिन यासिर और भी सहाबा कराम, उनकी तलवारें हमने देखी हैं माशाल्लाह। और नबी पाक का कटोरा मुबारक देखा जिसमें आप पानी पीते थे, आपके मुँह मुबारक, आपकी दाढ़ी के कुछ बाल केसेस में इन्होंने रखे हैं, प्रिजर्व किए हुए हैं। आपको स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि आप उसकी वीडियो नहीं बना सकते, हमारी बड़ी कोशिश थी कि हम बना सकें। बंदा इसमें एंटर होता है और निकलते निकलते बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। आप यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन सैयदुश्शहदा उनका आप अमामा देखते हैं और जुब्बा देखते हैं, और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो है एक जो अबाया था वो भी यहाँ पे रखा गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खाना काबा की चाबियाँ जो उस्मानी दौर में 16वीं सदी में 15वीं सदी में रही हैं, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जहाँ पे रखी गई हैं। ये अगर आप इस्तांबुल आते हैं तो आप लाजमी होली रेलिक्स वाला जो है ना पार्ट लाजमी इसको विज़िट करें। सुल्तान के दौर में इस कमरे का इतना तकद्दस था कि साल में सिर्फ एक दिन सुल्तान की फैमिली को जहाँ पर जाने की इजाज़त थी, 15 रमज़ान या 20 रमज़ान वाले दिन साल में सिर्फ एक दिन उनको मिलता था कि वो इन चीज़ों की ज़्यारत करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ग्रिप ऑन ट्रिप में डिस्कवर टर्की सीरीज़ का ये सफ़र अभी जारी है, और अगर आप दुनिया के सबसे पुराने और सबसे पहले शॉपिंग मॉल जाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर देखना चाहते हैं पाकिस्तान की खूबसूरत झीलों में से एक महुडन झील का सफ़र तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।